मॉर्निंग स्टूडेंट, देखो अपना चैप्टर चल रहा था प्रासरण है, इम्पोर्टेंट चैप्टर था। सेकंड यूनिट थी, ऐप भी चल रही थी। सेकंड यूनिट आपकी चल रही थी प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी फर्स्ट, इसके अंदर प्रासरण चल रहा था। प्रासरण किसे कहते हैं, यानी विलायक की अणु का गमन क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। यानी विलायक के अणु का जो जिसकी सांद्रता अधिक है उससे कम है, जिसकी विलायक की कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन क्या कहलाते हैं। मैंने कल एग्जाम्पल अच्छी तरह से आपको बताया था, आलू का एग्जाम्पल देकर के भी बताया था, जो आपके प्लेटल के अंदर भी है। अब चल रहा था बेटे प्रासरण के प्रकार। प्रासरण के प्रकार निम्न दो प्रकार हैं। पहला है आपका वह अंत प्रासरण और दूसरा है बही प्रासरण। फर्स्ट है अंत प्रासरण और सेकंड है बही प्रासरण। प्रासरण किसे कहते हैं, भई प्रासरण किसे कहते हैं, समझने वाली बात है। जब किसी कोशिका को, कोई भी कोशिका है, ये कोई कोशिका है, जब किसी कोशिका को किसी अल्प प्रासरणी वीर्य में रखा जाता है, अल्प प्रासरणी वीर्य में रखा जाता है, तो जो जल के अणु है वो जल के अणु इस अल्प प्रासरणी विलयन से इसके अंदर गमन करते हैं। कोशिका के अंदर यदि प्रवेश करते हैं तो उसको अपने अंत प्रासरण कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर जल ज्यादा है, ये बाहर का विलयन है बेटे, ये अपनी कोशिका है, तो कोशिका जो है इसके अंदर ही की ओर जल का प्रवेश होना क्या कहलाता है आपका, है अंत प्रासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अंत प्रासरण कहलाता है। यह है इसमें से जल का इसके अंदर प्रवेश होना क्या कहलाता है, अंत प्रासरण कहलाता है। अब अल्प प्रासरणी विलयन, अल्प प्रासरणी विलयन किसे कहते हैं, अल्प प्रासरणी विलयन है तो अल्प प्रासरणी विलयन से आप क्या समझते हैं, यानी ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या होती है, कम हो। यानी ऐसा घोल, ये घोल है, इस घोल की सांद्रता है, ये कोशिका रस है, ये कोशिका के अंदर तो कोशिका का रस है, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या होता है, कम। भाई इसकी सांद्रता क्या है, कम, और इस कोशिका रस की सांद्रता क्या है, अधिक। क्या है, अधिक होती है। तो इसे क्या कहते हैं, ऐसे घोल को कौन सा घोल कहते हैं, अपन अल्प प्रासरणी घोल कहते हैं। भाई ये घोल है, इसकी सांद्रता क्या है, कम है, और इसकी सांद्रता ज्यादा है। कल मैंने बताया था जो आलू का एग्जाम्पल दिया था, इसके अंदर शुगर का आपने घोल लिया था, विलय लिया तो इसके अंदर प्रवेश कर रही थी ना, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, अल्प प्रासरणी विलयन कहते हैं। अब इसकी सांद्रता कम होने के कारण से, भाई सांद्रता कम है इसका मतलब विलायक के अणु इसमें जा रहे हैं और इसमें कम है, तो विलायक के अणु है वो इसके अंदर प्रवेश करते रहेंगे, जिसके कारण से कोशिका स्पीड हो जाएगी, कोशिका क्या हो जाती है आपकी, फैल जाती है, फूल जाती है, तो इसको अपने अंत प्रासरण कहते हैं। और वही प्रासरण, वही प्रासरण किसे कहते हैं, जब किसी कोशिका को, यही कोशिका है, जब किसी कोशिका को, ये तो अल्प प्रासरणी विलयन था, जब किसी कोशिका को अति प्रासरणी विलयन में रखा जाता है, अति का मतलब है अति प्रासरणी विलयन में रखा जाता है, ये कोशिका है, इस
पूर्वाश्रय विघटन में रखा जाता है तो जो जल के अणु है वो जल के अणु कोशिका से किसके अंदर आ जाते हैं, इस विघटन के अंदर आ जाते हैं। अब अति प्राश्रय की विघटन किसे कहते हैं, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या होती है, अधिक होती है, इसीलिए इसको अति प्राश्रय कहते हैं। अति का मतलब ज्यादा, यानी जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या होती है, ज्यादा। अब इस बाहर वाले की यदि ज्यादा है भाई अधिक है और इसकी कम है, यदि इसमें विलायक के अणु ज्यादा है और इसमें कम है तो विलायक के अणु अभी इस कोशिका से क्या हो जाएंगे, आपके बाहर निकलेंगे, क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, जिसके कारण से कोशिका क्या हो जाती है, आपकी पीछे के जाती है। भाई जल के अणु बाहर निकलेंगे इसके अंदर बाहर वाले में तो जल के अणु क्या हो जाते हैं, आपके पीछे के जाते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटे, अति प्राश्रय विघटन कहते हैं। तो पहले अल्प प्राश्रय और अति प्राश्रय विघटन है, इनके आप परिभाषा लिख लो क्योंकि इनसे पहले ये शब्द आने जरूरी है। अल्प प्राश्रय जिसकी सांद्रता ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होती है, कम होती है तो इसे अल्प प्राश्रय विघटन कहते हैं। अल्प का मतलब कोशिका रस की सांद्रता तो ज्यादा हो गई और इसकी कम होगी विघटन की, तो इसको अपन अल्प प्राश्रय विघटन कहते हैं। ठीक है, लिखो बेटे अति प्राश्रय विघटन, अति प्राश्रय विघटन। अति प्राश्रय विघटन ऐसा बोले जिसकी सांद्रता ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से अधिक, कोशिका रस की सांद्रता से अधिक होता है, अधिक होती है, कोशिका रस की सांद्रता से अधिक होती है तो इसे अति प्राश्रय विघटन कहते हैं। अति प्राश्रय विघटन जब किसी कोशिका को किसके अंदर रखा जाता है, अल्प प्राश्रय विघटन में रखा जाएगा तो कोशिका के अंदर क्या हो जाएगा, जल के अणु प्रवेश करेंगे तो इसको तो क्या करेंगे, अंतःप्राश्रय। अंत यानी कोशिका के अंदर जब जल के अणु प्रवेश करते हैं, वही प्राश्रय जब किसी कोशिका को अतिप्राश्रय विघटन में रखा जाता है तो
जल के अणु कोशिका से बाहर निकलेंगे तो इसको अपन क्या कहते हैं, भी प्रसरण कहते हैं। पहला है अंतःप्रसरण। जब किसी कोशिका को अल्पप्राश्री विलयन में रखा जाता है, कोशिका को अल्पप्राश्री विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु अल्पप्राश्री विलयन से तो जल के अणु अल्पप्राश्री विलयन से कोशिका में विलयन से कोशिका में प्रवेश करते हैं। कोशिका में प्रवेश करते हैं अंतःप्रसरण कहते हैं। इसी क्रिया को ही अंतःप्रसरण कहते हैं। पहला चेंज करके लिखना। अतः अंतःप्रसरण की क्रिया अल्पप्राश्री विलयन में संपन्न होती है। अल्पप्राश्री विलयन में संपन्न होती है। सेकंड लिखो मेरे, अतिप्राश्री विलयन सॉरी वही प्रसरण वही प्रसरण। जब किसी कोशिका को अतिप्राश्री विलयन में रखा जाता है जल के अणु कोशिका से बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को ही बाह्य प्रसरण
देखो जल है, पादप है, पादप जल का अवशोषण करते हैं तो वो भी किसके द्वारा ही करते हैं भाई? पादप है जड़े, पादप की जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर बाहर है जल की मात्रा ज्यादा है और अंदर कोशिका के अंदर जल की मात्रा कम होने के कारण से पौधे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं किसको, जल को, क्योंकि वह अतिप्राश्रण है, वह अल्पप्राश्रय विलयन है, इसके अंदर कोशिका रखी हुई है जिसके कारण से कोशिका के अंदर पौधे है वो जल का अवशोषण करते हैं और पादप की प्ररोह तंत्र तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो पहला लिखो मूल रोमों द्वारा, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, जल का अवशोषण है, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण तथा पादपों के अंदर जल का, तथा पादपों के अंदर जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में मिश्रण है, जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में मिश्रण है, प्राश्रण प्रक्रिया द्वारा ही होता है। मिश्रण प्राश्रण द्वारा होता है। यानी कोशिका मैंने जब अल्पप्राश्रय विलयन में डाला तो कोशिका क्या हो गई थी, फैल गई, फूल गई थी ना, तो वो भी किसके ऊपर निर्भर करती है, इसी के ऊपर निर्भर, कोशिका का फूलना भी। ठीक है, कोशिका की स्थिति अवस्था, स्थिति का मतलब होता है फैलना, कोशिका की स्थिति अवस्था करती है, स्मृति अवस्था प्राश्रण पर निर्भर करती है। प्राश्रण पर निर्भर करती है इस अवस्था, यह अवस्था, यह अवस्था सभी कोशिकीय क्रियाओं के लिए, सभी कोशिकीय क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होती है, अति आवश्यक होती है। जल का पादपों के विभिन्न अंगों तक, विभिन्न अंगों तक वितरण है, पादपों के विभिन्न अंगों तक वितरण है, प्राश्रण द्वारा ही, प्राश्रण द्वारा ही होता है। अगला है
कोशिकाओं की वृद्धि रासायन द्वारा ही तरुण कोशिकाओं की वृद्धि प्रासरण द्वारा ही होती है। अगला है प्रासरण की क्रिया पात्रों को हिमीकरण कौन सा सर्दियां ज्यादा पड़ती है ना उसके अंदर हिमीकरण तथा शुष्कन के प्रति हिमीकरण तथा शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाती है। प्रासरण दा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर प्रासरण दाब देखो क्या है वह दाब जो शुद्ध जल के अणु को अर्धपाद में झिल्ली से दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है उसी को क्या कहते हैं अपने प्रासरण दाब कहते हैं। ये देखो बेटे ये एक झिल्ली है ये अपना बीकर है ध्यान से देखना इधर समझने वाली बात है ये बीकर ये तो कोई अधिक सांद्रता वाला विलयन है क्या है अधिक सांद्रता वाला विलयन और ये कोई तनु अम्ल है सॉरी तनु विलयन है यानी इसके अंदर तो जल के अणु की संख्या क्या है ज्यादा है ये तो कहने का मतलब क्या है सांद्र है और ये क्या है आपका तनु समझ में आ गई बात समझ रहा जब ये जल के अणु जब ये जल के अणु इस ये क्या है अर्ध पारगम्भी झिल्ली है जब ये जल के अणु इस अर्ध पारगम्भी झिल्ली द्वारा किसके अंदर इस विलयन के अंदर प्रवेश करेंगे भाई इसकी सांद्रता ज्यादा है यानी इसमें जल के अणु कम है और इसमें ज्यादा है तो ये जल के अणु बेटे इसके अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे जल के अणु जाएंगे तो इसमें इस सांद्रता मानो ये शुगर का है किसी का भी बनाया हुआ है सांद्र विलयन है इसका ये स्तर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बढ़ेगा ना तो जैसे ही ये देखो विलायक के अणु इसके अंदर प्रवेश किए जल के अणु जल को तो अपन विलायक कहते हैं विलायक के अणु जैसे इसके अंदर प्रवेश किए तो ये इसके अंदर फैलेंगे पूरे के अंदर फैलेंगे ना तो इसके द्वारा इनके ऊपर दाब लगाया जाएगा इसके द्वारा इनके ऊपर जो दाब लगाया जाता है जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को ऊपर क्या कहते हैं
प्रासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रासरण दाब। भाई ये सामने भी नहीं रहे, जब ये आपका अर्धभाग में झिल्ली के द्वारा ये जल भरा हुआ है, इसको अर्धभाग में झिल्ली बीच के अंदर लगा दी, जब जल के अणु विलायक के अणु है इसके अंदर प्रवेश करेंगे, प्रवेश करके इसके अंदर फैलेंगे, तभी तो पूरे के अंदर फैलेंगे, तभी तो ये जल इसका सांद्रता विलीन है वो आपका स्तर है बढ़ेगा ऊंचा जाएगा। इसके कारण से इसके ऊपर इनके विलायक के अणु के ऊपर इसके द्वारा जो दाब लगाया जाता है ना, उस दाब को ही क्या कहते हैं अपने? प्रासरण दाब कहते हैं। लिख लो, जब दो इसको ओपी के द्वारा इंगित करते हैं, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धभाग में झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं, तो विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से अर्थात तनु विलयन से सांद्र विलयन इससे सांद्र विलयन का स्तर घट जाता है, जिससे एक दाब उत्पन्न होता है, जो सांद्र विलयन में और अधिक विलायक के अणु को गति करने से रोकते हैं, इस दाब को ही प्रासरण दाब कहते हैं।
अधिक होगा कितना, जितना कि उसके अंदर विलय पदार्थ के अणु की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। यानी प्राशन दाब है ना, वो प्राशन दाब किसके ऊपर निर्भर करता है, विलय पदार्थ के अणु की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। यानी विलय पदार्थ के अणु की संख्या जितनी ज्यादा होगी, प्राशन दाब क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, प्राशन दाब उतना ही अधिक होता है। देखो प्राशन दाब इसके ऊपर निर्भर करता है। यानी प्राशन दाब उतना ही ज्यादा अधिक लगेगा जितना जो विलयन में विलय पदार्थ है ना, जैसे आपकी शुगर को उसके अंदर शुगर का विलयन बनाया है, तो शुगर क्या है, विलय, तो वह विलय ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा। अपने देखा होगा कोई सांद्रता, अधिक सांद्रता युक्त विलयन होता है, उसके अंदर यदि अपने जल मिलाया तो उसको जल को घोलने के अंदर क्या होगा, अधिक समय लगेगा। जबकि थोड़ा यदि सांद्र कम है उसके अंदर मिलाते हैं तो उसके अंदर आसानी से मिले जाता है। क्यों, उसका कारण एक है, क्योंकि उसके ऊपर मिले पदार्थ के अणु की संख्या ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण से वो प्राशन दाब अधिक डालेंगे, आसानी से नहीं घोलने देंगे, जबकि वो आसानी से घोलने दिए जाएंगे। तो प्राशन दाब किसके अनुपाती होता है, यानी प्राशन दाब उतना ही ज्यादा अधिक होगा जितने विलयन में विलय अणु की संख्या यदि अधिक होगी, तो प्राशन दाब भी आपका उतना ही अधिक होगा। पहला चेंज करके लिखो, प्राशन दाब के आधार पर विलय की वृद्धि तीन प्रकार के होते हैं। प्राशन दाब के आधार पर विलय ने निम्न तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिखो संप्राश्री विलयन, फर्स्ट है संप्राश्री विलयन, जिसको अपन कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। संप्राश्री से तो सीधा सा है, संप्राश्री तो कहते हैं, यानी संप्राश्री विलयन ऐसा विलयन
आगे प्राचीन धातु के क्या होता है, बराबर होता है, सम, सम का मतलब है समान, दोनों का समान होता है तो उसको क्या कहते हैं अपन, समप्राश्री विलयन कहते हैं। अर्थात ओपी बराबर किसके होता है, ओपीसी के, दोनों क्या होते हैं बराबर बराबर होते हैं। अधोप्राश्री विलयन किसी प्रकार का विलयन जिसका प्राचीन धातु उसमें रखी गई कोशिका के प्राचीन धातु से क्या होता है, कम होता है, यानी कोशिका का प्राचीन धातु क्या होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा, तो उसको क्या कहेंगे अपने, अधोप्राश्री। और अतिप्राश्री किसी प्रकार के विलयन की जिसका प्राचीन धातु उसमें रखी गई कोशिका के प्राचीन धातु से क्या होता है, अधिक होता है। भाई अधोप्राश्री विलयन में तो यानी कोशिका का प्राचीन धातु क्या होगा, विलयन के धातु से अधिक होगा, अति का मतलब विलयन का तो क्या होगा और कोशिका का क्या होगा, विलयन का अधिक होगा और कोशिका का क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के बांटे गए हैं, समप्राश्री के अंदर समान होते हैं, अधोप्राश्री के अंदर कोशिका का प्राचीन धातु अधिक होता है, और अतिप्राश्री में विलयन का क्या होता है, अधिक होता है, और कोशिका का क्या होता है, कम होता है। तो ये तीन प्रकार के प्राचीन धातु आपके हैं, इनको अपने फिर आगे है वो कल की कालांश के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।